like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं यामाहा FZS वर्जन 3 को बजाज पल्सर 150 UG5 से। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज होने वाली है बराबरी की टक्कर। वो इसलिए क्योंकि दोनों ही बाइक्स का इंजन सेगमेंट सेम है और दोनों ही बाइक्स 150 cc की है, और मैं इस वीडियो में दोनों ही बाइक्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। कंपैरिजन का पहला पॉइंट है लुक्स। अब दोस्तों, लुक्स एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। कुछ लोगों को FZS अच्छी लगती है तो कुछ लोगों को पल्सर 150 अच्छी लगती है, लेकिन जिस बाइक का लुक्स मेरे को ज़्यादा पसंद है वो है यामाहा FZS वर्जन 3। वो इसलिए क्योंकि वर्जन 2 के मुकाबले वर्जन 3 के लुक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया गया है। मस्कुलर टैंक इसमें आपको मिलता है, जो बाइक को काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है। बाइक के एक्सटेंशन एयर को पास कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कराते हैं, और पूरी बाइक की बॉडी को एक एरोडायनामिक डिज़ाइन दिया गया है, जिससे अगर आप स्पीड राइडिंग भी करते हो तो वाइब्रेशन जैसी कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको फील नहीं होगी। बाकी ऐसा नहीं है कि पल्सर 150 का लुक्स अच्छा नहीं है, इसका लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। मतलब आप इसको काफ़ी समय से देखते आ रहे हो, लेकिन फिर भी इसमें हर साल नए ग्राफिक्स चेंज होते हैं और न्यू ग्राफिक्स बाइक की बॉडी और लुक्स पर एक अलग ही जान डाल देते हैं। दोस्तों, एरोडायनामिक बॉडी डिज़ाइन पल्सर 150 UG5 का भी है, तो इसमें आपको वाइब्रेशन जैसी कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आपको कौन सी बाइक का लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों, फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो यामाहा FZS वर्जन 3 में आपको डुअल सेटअप LED हेडलाइट्स मिलती है, और सबसे नीचे आपको पायलट लैंप मिलता है, और पल्सर 150 UG5 में आपको कॉर्नर्स पर दो पायलट लैंप्स मिलते हैं, और सेंटर में आपको 35x45 वॉट का हैलोजन बल्ब मिलता है। दोस्तों, LED हेडलाइट्स की विजिबिलिटी हैलोजन बल्ब के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। नाइट में आपको सारे पार्टिकल्स और रोड अच्छे से दिखाई देती है LED हेडलाइट्स की हेल्प से। लेकिन पल्सर 150 में एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि इसमें आपको एक ब्लैक कलर का वाइजर मिलता है, जो कि आपको FZS में नहीं मिलता है। वाइजर एयर को पास करने में और कंफर्टेबल राइड करने में हेल्प कराता है। रेयर प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो पल्सर 150 में आपको ट्विन डिवाइडेड सेक्शन में LED टेल लाइट मिलती है, और कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स इसमें आपको मिलते हैं, और यामाहा FZS में आपको रेयर में बल्ब टेल लाइट मिलती है, जो कि मेरे को एक डिसएडवांटेज लगा है। वो इसलिए क्योंकि 150 cc के सेगमेंट की सभी बाइक्स में आपको LED टेल लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अपाचे, हॉर्नेट और जिक्सर, इन सभी में आपको LED टेल लाइट मिलती है, और LED टेल लाइट की विजिबिलिटी बल्ब टेल लाइट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और एक शानदार लुक ये अपनी बाइक को देती है। लेकिन ठीक है, शायद फ्यूचर में आपको FZS में LED टेल लाइट का ऑप्शन मिल जाए, लेकिन अभी तो इसमें आपको सिर्फ बल्ब टेल लाइट मिलती है। दोस्तों, हाइट से रिलेटेड डाउट आप सभी को होता है, और बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स पर पूछते हैं कि भाई, मेरी हाइट इतनी है तो मेरे लिए ये बाइक कंफर्टेबल होगी कि नहीं। तो आप सभी का हाइट से रिलेटेड डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। यामाहा FZS वर्जन 3 को कंफर्टेबल राइड करने के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 5.2 फिट या उससे ज़्यादा, और अगर आपकी हाइट 5.2 फिट से कम रही तो आपके लेग्स ज़मीन को कुछ इस तरीके से टच कर पाएंगे, और राइड करते समय आपको अनबैलेंस फील होगा। और पल्सर 150 UG5 को राइड करने के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट या उससे ज्यादा, और अगर आपकी हाइट 5 फीट से कम रही तो आपके पैर जमीन को कुछ इस तरीके से टच कर पाएंगे। तो दोस्तों, शॉर्ट हाइटेड पीपल्स के लिए पल्सर 150 एक बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सी बाइक है सबसे ज्यादा दमदार, मतलब इंजन।
तो पल्सर 150 UG5 में आपको मिलता है 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व ट्विन स्पार्क DTSI एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन, जिसमें आपको मिलता है 14 PS एट 8000 RPM का पावर और 13.4 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM का टॉर्क। और नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 5 मिलते हैं और इसमें आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। और यामाहा FZS वर्जन 3 में आपको मिलता है 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व SOHC एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन, जिसमें आपको मिलता है 13 PS एट 8000 RPM का पावर और 12.8 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM का टॉर्क। तो दोस्तों, पल्सर 150 का पावर यामाहा FZS के मुकाबले 1 BHP ज्यादा है, तो आपको इनिशियल पिकअप में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर माइलेज के बारे में बात किया जाए तो पल्सर 150 से आप अराउंड 45 टू 50 तक का माइलेज गेन कर सकते हो, और यामाहा FZS फ्यूल इंजेक्टेड होने के बावजूद भी लगभग पल्सर 150 की तरह ही माइलेज दे देगी। अराउंड 45 टू 50 तक का माइलेज आप इससे भी गेन कर सकते हो। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही बाइक्स में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो, फ्रंट व्हील में आपको ABS सेंसर दिखाई दे रहा होगा और पल्सर में आपको कम बजट में RLP सेंसर मिलता है रियर व्हील में, और FZS में आपको RLP सेंसर नहीं मिलता है, जो एक और डिसएडवांटेज मेरे को इसमें लगा है। दोस्तों, RLP का फुल फॉर्म है रियर लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। इसका वर्क ये है कि जब भी आप बाइक को स्पीड में राइड करते हो और एकदम से अगर आप ब्रेक को दबा देते हो तो जो अनयूजुअल स्टॉपी क्रिएट होती है उसी को ये स्पीड सेंसर कंट्रोल कर लेता है और बाइक की स्पीड को लगभग कम कर देता है। तो अगर आपको एक कम बजट में एक सेफ्टी रिलेटेड बाइक चाहिए तो बजाज पल्सर 150 UG5 एक बेस्ट ऑप्शन है। प्राइस के बारे में बात किया जाए तो यामाहा FZS वर्जन 3 का प्राइस है 98,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और बजाज पल्सर 150 UG5 का प्राइस है 88,000 एक्स शोरूम दिल्ली। तो यामाहा FZS वर्जन 3 का प्राइस बजाज पल्सर 150 के मुकाबले 10,000 रुपए ज्यादा है। सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो FZS वर्जन 3 में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर में स्विंग आर्म मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जिसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हो। पल्सर 150 में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बुश सस्पेंशन मिलता है और रेयर में ट्विन सस्पेंशन विथ नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है। टायर्स के बारे में बात किया जाए तो पल्सर 150 में आपको फ्रंट में 90x90 का ट्यूबलेस टायर मिलता है और रेयर में 120x80 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, और यामाहा FZS में आपको फ्रंट में 100x80 का ट्यूबलेस टायर मिलता है और रेयर में 140x60 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, और दोनों ही बाइक्स में आपको 17 इंचेस का व्हील मिलता है। सीट के बारे में बात किया जाए तो जो FZS की सीट की कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा लंबी सीट नहीं मिलती है। जैसे अगर आप इमरजेंसी में 3 लोग बैठकर राइड करोगे तो आप कंफर्टेबल राइड नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो टैंक पर बैठकर एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इस पर आप टैंक पर भी नहीं बैठ पाओगे। वो इसलिए क्योंकि इसका जो टैंक है वो काफ़ी ऊँचा है और आप इस पर बैठने की तो सोच भी नहीं सकते। तो भलाई इसमें ये है कि आप 2 लोग बैठकर ही राइड करें, लेकिन पल्सर 150 में आपको बेटर कुशनिंग भी मिलती है और इसमें आपको काफ़ी स्पेसफुल सीट भी मिलती है, जिससे अगर आप 3 लोग बैठकर इमरजेंसी में राइड करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एज पर द गवर्नमेंट रूल आप 2 लोग बैठकर राइड करें और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब दोनों ही बाइक्स का डिटेल्ड कंपैरिजन हो चुका है और अब बात करते हैं कि कौन सी बाइक लेना चाहिए। अगर आपको एक लुक्स रिलेटेड बाइक चाहिए जिसका टैंक काफ़ी मस्कुलर हो, स्पोर्टी डिज़ाइन हो और मोटे टायर्स मिले जिससे आपकी बाइक सुंदर दिखे, तो यामाहा FZS वर्जन 3 एक बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको एक कम बजट में सेफ्टी रिलेटेड बाइक चाहिए जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, स्पोर्टी डिज़ाइन हो और मेंटेनेंस में कम खर्चा आए, तो इन सभी चीज़ों के लिए बजाज पल्सर 150 UG5 एक बेस्ट ऑप्शन है। बाकी दोस्तों, मेरे हिसाब से पल्सर 150 ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपको एक 150 cc की बाइक में मिलना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आप कौन सी बाइक लेना पसंद करोगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स।